तब बिल्ड होता है जब आप उसी को सर्विस देते हैं, और ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप सर्विस देने के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम आती है और उसको रिजॉल्व कर देते हैं। आप एक फोन पर उसके अकाउंट खोल देते हैं, आप एक फोन पर उससे लाखों के पेमेंट करवा देते हैं, आप एक फोन पर उसको हजारों का बीमा दे देते हैं, आप एक फोन पर उसकी वेल्थ क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब उसी फोन पर उसके साथ फ्रॉड होता है तो आप ही उसको थाने के चक्कर भी लगवा देते हैं। वो ये पूछता है आपसे कि भाई मैंने घर बैठे आपसे सारी सर्विसेज ली, आप मेरे डिस्प्यूट का रेड्रेसल घर बैठे क्यों नहीं दे सकते? क्या इस बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? गौरव, तो मैं पहले वाला जो आपका प्रश्न था उस पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा। आपने बोला था कि इंटरनेट यूसेज जो है उसका डेटा महंगा हो गया। मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पर। 2016 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था, उस टाइम भारत में पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन जो भारत की रैंक थी वो थी 122 123 देशों में। आज भारत की रैंक है नंबर 1 ऑन पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन। भारत में जितना डेटा कंज्यूम हो रहा है वो यूएस और चाइना दोनों को मिला लेंगे तो उससे ज़्यादा डेटा भारत में कंज्यूम हो रहा है। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में, जो कि चाइना के बाद दूसरा नंबर है, और हर सेकंड भारत में 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और उसमें से 2 भारत के गाँवों से आ रहे हैं, और दुनिया की 11% आबादी भारत के गाँवों में रहती है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। तो इंटरनेट का जो यूसेज है और जो डेटा की कॉस्ट है गौरव, वो इंडिया में इतनी चीप है कि इसका पेनिट्रेशन एक अकल्पनीय है जिस तरह से हो रहा है। जहाँ तक बात आती है कि जब आप इस तरह से नेट को फैलाएंगे तो फ्रॉड्स होंगे, आपको उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेगुलेटर्स को जो ओम्बड्समैन मैकेनिज्म है, जो कि सेबी के पास में भी आज स्कोर्स का एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई का ओम्बड्समैन होता है, पर उन्हें चाहिए कि छोटे छोटे शहरों में कुछ छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हों, छोटे सेंटर्स हों जहाँ पर लोग जाकर अपने कंप्लेंट्स को अच्छे से एड्रेस कर पाएँ, या फिर कुछ इंटरनेट पे कॉमन प्लेटफॉर्म हो पूरी फिनटेक व्यवस्था के लिए, चाहे वो लेंडिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से, वेल से, कहीं पर भी हो, आप अपनी कंप्लेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे आप जाकर लॉग इन कर और उसका सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। और जहाँ पर सिक्योरिटी फ्रॉड की बात आती है, मुझे लगता है कि काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर UIDAI की तरफ से आधार को सुचारू बनाने के लिए, बैंकिंग सुविधा को सुचारू बनाने के लिए। इनफैक्ट जो काम चल रहा है गौरव अभी, जो आपका UPI मैकेनिज्म है, थोड़े टाइम में वो बिना इंटरनेट के भी चलने लगेगा फ़ोन के बेसिक इंफ्रा पे, सिर्फ आपके सिम कार्ड के ऊपर। तो बहुत कुछ हो रहा है इस पर मुझे लगता है कि स्टेप्स हमेशा कम लगेंगे भारत की आबादी को देखते हुए और इसके यूसेज की स्केल और वेलोसिटी को देखते हुए। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे लगता है इसे एड्रेस किया जाएगा।